अनूपपुर जिले के थाना कोतमा अंतर्गत गोविंदा कालरी गणेश नगर में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। कोतमा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोविंदा कालरी निवासी नाबालिग बच्ची अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकली थी, तभी बस स्टैंड के पास अकेले खड़ी लड़की को देखकर इस्लामगंज निवासी शाहरुख उर्फ सिब्बू दो पहिया स्कूटी लेकर आया और स्कूल छोड़ने का कहने लगा। बच्ची उससे पहले से जानती थी। सिब्बू द्वारा नाबालिग बच्ची को स्कूल छोड़ने के बजाय बदमाश उसे कोयले की खदान के पीछे जंगल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। मामले की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी जो उसे थाने लेकर पहुंचे। बाइट उपेंद्र त्रिपाठी स्टॉप इंतजार कर रही थी बस के लिए, तो सिब्बू नाम का लड़का है जो मेरे बोला स्कूटी में बैठो मैं तुमको स्कूल छोड़ दूंगा। फिर मेरे को वो मैं बैठ गई उसके साथ और फिर वो मुझे ले जाने लगा। वो भानु वाले साथ ले जा रहा था, मैं बोली उल्टा कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है इधर से भी एक रास्ता मैं तुमको छोड़ दूंगा स्कूल। मैं बोली ठीक है छोड़ देना, तो फिर मैं भी चली गई ले गया मुझे 9-10 जो खदान है वहाँ पर ले गया उस जंगल में वहाँ कर मारा था। फिर मैं कुछ नहीं बोली और स्कूल टाइम पे मुझे घर छोड़ वहाँ स्टॉप पे जहाँ से ले गया था मुझे वहीं पे छोड़ दिया। ये एक बालिका है, नाबालिग लड़की है, उसकी रिपोर्ट से ये अपराध जो है तो हमारे थाना में पंजीबद्ध हुआ है। 366 का है और इस अपराध में जो है तो आरोपी को अपन अरेस्ट कर लिए हैं। कल ही आरोपी जो है तो ये दोबारा हुज्जतबाजी करने के लिए पुनः जो है तो लड़की के घर के पास गया रहा, जिससे ग्रामीणों के द्वारा जो है तो सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच सकती है और उसको जो है तो अपने कक्षा में ले लिया गया था। आज जो है तो मामले की विवेचना करके और उसके खिलाफ जो है अपराध है सबूत पाया गया है, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया है। आज न्यायालय उसको पेश किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज, अनूपपुर।